नमस्कार। तो आप थंबनेल पे ठीक पढ़ रहे हैं कि यूएसए बैंस रशिया वॉल, पूरी दुनिया को इससे दर्द होगा। आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे कि दोस्तों पेट्रोल के दाम 150 रुपए प्रति लीटर भी जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों इस पूरे इशू को डिस्कस करते हैं कि जो यूएस और साथ में यूके ने बैन लगाया है रशिया के वॉल पर, उससे इंडिया और बाकी सारे कंट्रीज में किस तरह के एनर्जी क्राइसिस खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं अगर रशिया की, तो वो सबसे बड़ा और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है नहीं था ऑयल का। दोस्तों बात करें अगर ऑयल की, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन है, हमारी इंडस्ट्री है और हमारे जो बेसिक नीड्स हैं, यदि कोई ब्रेड है या फिर दूध है या फिर कोई भी इक्विपमेंट अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तो उसमें पेट्रोल का, डीजल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये दोस्तों अगर रशिया को इस तरह से आइसोलेट किया गया पूरे वर्ल्ड में अमेरिका द्वारा, तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है आम नागरिक पर। दोस्तों पेट्रोल के दाम 150 रुपए से लेकर आने वाले समय में 200 लीटर तक जा सकते हैं, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। और बात करें अगर रशिया और यूक्रेन युद्ध की, तो अभी वो भी चल रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर अमेरिका रशिया को पूरी दुनिया से आइसोलेट करता रहेगा, तो रशिया के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहेगी। और उस केस में रशिया न्यूक्लियर वॉर भी डिक्लेयर कर सकता है, जो कि पूरे ग्लोबल के विश्व शांति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा होगा। और दोस्तों अमेरिका का ये जो रवैया रहा है कई सालों से, कि वह अपने जिस देश पे भी चाहता है वो सैंक्शंस लगा देता है। तो दोस्तों जो ओपेक के चीफ है, उन्होंने कहा है कि ये जो सैंक्शन लगाया गया है अमेरिका द्वारा रशिया पर, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध होगा। बात करें अगर ओपेक की, तो दोस्तों ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये दोस्तों 13 कंट्रीज का ग्रुप है। साथ में दोस्तों अगर बात करें ओपेक प्लस की, तो इसमें रशिया समेत मैक्सिको और भी कुछ देश आते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में फ्यूल के प्राइसेस क्या होंगे इसको मैनेज करते हैं। नाउ अगर रशिया, जो कि सेकंड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, साथ में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वेनेजुएला और ईरान पर भी उन्होंने बैन लगा दिया है। बैन ट्रंप के समय से ही बना हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो यदि तीन बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर ऑयल के मार्केट से अगर उनको हटा दिया जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा इसका कैटास्ट्रॉफिक और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारतीय इकोनॉमी पर भी। जी हाँ दोस्तों, रशिया के अभी जो डिप्टी पीएम है, उन्होंने वार्न किया है कि यदि इसी तरह से अमेरिका और उसके यूरोपियाई, मतलब अभी इसमें इंक्लूड होगा यूके, तो यदि इसी तरह से यूएस और यूरोपियाई मित्र मुल्क अगर हम पे रशियन ऑयल पे बैन लगाते रहेंगे, तो इस पे उन्होंने कहा कि $300 पर बैरल तक जा सकते हैं क्रूड ऑयल के दाम। और ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रॉफी होगा पूरे दुनिया के लिए, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया कि ये दोस्तों ऑयल के प्राइस बढ़ना केवल इंटरनेशनली ही नहीं, जबकि हमारे कंट्री में खुद पे भी इम्पैक्ट होगा। अभी तो फिलहाल ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, तो शायद ज़्यादा आपको अनुभव ना हुआ हो, लेकिन आप देखेंगे कि जल्द ही ऑयल के दाम में बहुत ही बड़ी एक स्पाइक आने वाली है, और शायद ऑयल जो है 160 से 170 रुपये प्रति लीटर भी हो सकता है। तो उनके जो डिप्टी पीएम है, उन्होंने कहा है कि ये ऑयल पर जो रशिया का बैन है, इसका बहुत ही ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक कंसिक्वेंस देखने को मिलेगा, यानी बहुत ही इसका बुरा परिणाम होगा। और दोस्तों बात करें अगर इंडिया की, तो आपको पता होगा कि इंडिया लगभग, अगर 2019-20 का डेटा देखें, तो $92 बिलियन खर्च करता है केवल ऑयल को परचेज करने में एक साल में। और यदि दोस्तों ऑयल प्राइसेस $300 पर बैरल हो जाते हैं, तो ओ माय गॉड, मतलब इंडिया के जितनी भी
जो बजट है उसकी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, इंडिया के गवर्नमेंट पर बहुत ही ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सरकार को कर्ज उठाना भी पड़ सकता है। दोस्तों अगर इंडिया ही नहीं, बात करें पाकिस्तान की और साथ ही साथ चाइना को भी इससे बहुत ज़्यादा समस्याएँ होने वाली है, उनको भी बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और पेट्रोल के दोस्तों आप देख सकते हैं प्राइसेस 151 रुपए तक जा सकते हैं और डीजल भी लगभग 110 रुपए तक महंगा हो सकता है। तो दोस्तों इससे डर है कि कहीं इन्फ्लेशन के जगह स्टैगफ्लेशन ना हो जाए। दोस्तों स्टैगफ्लेशन का आपने सुना होगा, स्टैगनेंट होना। स्टैगनेंट का मतलब होता है कोई चीज़ एक जगह जो है वहीं थम जाएगी, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना। तो दोस्तों स्टैगफ्लेशन भी हो सकता है इंडिया में, इसकी चांसेस तो बहुत कम है लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतना बढ़ जाती है कि जो आम भारतीय नागरिक है वो अपना पैसा केवल ज़रूरत की चीज़ है जैसे कि ब्रेड, मिल्क और अपने ज़रूरत की चीज़ें ही केवल खरीद सकता है, कोई दूसरी चीज़ है जैसे कि कार्स, बसेस, ट्रक्स और जो भी वो परचेज करना चाहता हो, टू व्हीलर परचेज करना चाहता हो, वो ना परचेज कर पाए। तो दोस्तों ये केवल आम इंडियंस के लिए नहीं, जबकि हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है, जो कि हमारे पीएम द्वारा चलाया गया है, उसको भी झटका देगा ये ऐसे, क्योंकि यदि लोग परचेज ही नहीं करेंगे तो गाड़ियां बनाकर होगा क्या। तो इससे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत ही ज्यादा एक बिग ब्लो लगने वाला है। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि रशिया पर ये जो अमेरिका द्वारा और अमेरिका के मित्र मुल्क द्वारा ये सैंक्शंस लगाया जा रहा है, ये दोस्तों इंडिया के फेवर में नहीं है। और दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि यदि बाइडन रशिया पे सैंक्शन लगाते भी हैं तो कम से कम वेनेजुएला और ईरान जो कि बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं उनसे बैन हट जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। तो दोस्तों हम केवल उम्मीद ही कर सकते हैं कि कम से कम बाइडन प्रशासन ईरान का जो ऑयल बैन है वो हटाएगी और जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम होंगे। रशिया युद्ध के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। धन्यवाद।